जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं पुष्कर। आज की क्लास में हम लोग ग्रुप और लेजर बनाना सीखेंगे कि हम ग्रुप और लेजर को कैसे क्लासिफाइड करके क्रिएट करते हैं, ये स्किल आज हम लोगों को सीखनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा है कि सूर्या ट्रेडर्स एक कंपनी है, उसके पास कैपिटल में 10,12,000 रुपये पड़ा हुआ है। इसका मतलब हमें सबसे पहले कंपनी में आना होगा, क्रिएट पर जाना होगा और यहाँ पे लेजर को सेलेक्ट करना होगा और यहाँ लिखेंगे PROP मतलब प्रोपराइटर, फिर हमने लिख दिया कैपिटल अकाउंट। आप इसको केवल कैपिटल के नाम से भी बना सकते हैं, या अगर आपको दोनों नाम रखना है तो जो सेकंड पेज पर अलियाज नेम है यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कैपिटल अकाउंट। अलियाज नेम और नेम में बस यही फर्क है कि एक ही लेजर को बनाने के दो तरीके, जैसे कोई पर्सन है उसका घर का नाम है सोनू और कॉलेज में उसके लोग सुरेश के नाम से बुलाते हैं, आदमी तो एक ही है, नाम उसके अलग अलग है, उसी तरह हम कैपिटल को कैपिटल और प्रोपराइटर कैपिटल अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। हम ये दोनों नाम यहाँ पे टाइप करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो केवल प्रोपराइटर कैपिटल लिखें, चाहे कैपिटल लिखें, या इस तरीके जैसे मैंने सेटिंग किया है उस तरह से दोनों कर सकते हैं। और चूंकि कैपिटल का जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, कैपिटल, ऐसा चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आपको दे रखा है। और यहाँ पे आने के बाद हमें उसका ओपनिंग बैलेंस भरना है, तो बैलेंस कितना है, 10,12,000, यही है ना। इसको इंटर करके और इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट, बस नया। तो ये लेजर आपको बनाना, हमेशा ध्यान रखना है कैपिटल का जब भी खाता बनाएंगे उसका जो बैलेंस होगा हमेशा क्रेडिट में होगा। फिर सेकंड चीज बोला जा रहा है उनके पास लैंड एंड बिल्डिंग है, तो आप पहले देखिए लैंड और बिल्डिंग होता क्या है, एसेट्स, कौन सा एसेट्स, फिक्स एसेट्स, इसलिए इसका लेजर हम किस ग्रुप में बनाएंगे, फिक्स एसेट के भीतर। तो एक लेजर हम और क्रिएट करेंगे, क्रिएट करने के बाद हम इसका ग्रुप रखेंगे फिक्स्ड एसेट्स, और फिक्स्ड एसेट्स ग्रुप में आने के बाद यहाँ पूछा जाएगा जीएसटी, तो जीएसटी वगैरह जैसे वैसे आप रहने दीजिए, उससे कोई बहस नहीं है, और नीचे आके आपको बैलेंस भर देना है 4,500,000, यही है ना, 4,50,000, ये बैलेंस। अब ध्यान दें कि जैसे हमने ग्रुप सेलेक्ट किया फिक्स एसेट का, तुरंत यहाँ नेचर अपने आप क्या आ गया, डेबिट, और इसके पहले जब हमने कैपिटल सेलेक्ट किया था तब नेचर क्या था, क्रेडिट। ऐसा इसलिए क्योंकि बैलेंस शीट का लेसन आपने पढ़ा है, वहाँ आपको बताया गया था कि जो हमारी लाइबिलिटीज होती है वो क्रेडिट साइड में होती है और जो एसेट्स होते हैं वो डेबिट में। कैपिटल को भी एक प्रकार की लाइबिलिटी माना जाता है। तो टैली को यूज करने का सबसे अच्छा फायदा यही है कि अगर आप ग्रुप सही सेलेक्ट करेंगे तो नीचे का सिंबल अपने आप चेंज हो जाएगा। अगर आप ग्रुप कैपिटल सेलेक्ट करेंगे तो नीचे क्रेडिट अपने आप आ जाएगा, अगर आप एसेट्स का ग्रुप सेलेक्ट करेंगे तो नीचे अपने आप डेबिट आ जाएगा। ये सबसे अच्छी चीज है कि आपको बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद क्या रखना है कि कौन से लेजर को कौन से ग्रुप के भीतर बनाना है, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कौन से लेजर को किस ग्रुप के भीतर बनाना है, ये चीज सिर्फ आपको ध्यान रखना है, नीचे का डेबिट या क्रेडिट ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। बात समझ आ रहा ना, तो ये है टैली का पावर ऑफ सिंप्लिसिटी, इसलिए टैली को बोला जाता है द पावर ऑफ सिंप्लिसिटी, कारण यह है कि इसमें बहुत ज्यादा चीजों को याद रखने की जरूरत नहीं है। स्क्रीनशॉट मैंने आपको दे रखा है, आप सेम इसी तरीके से लेजर बना लेंगे, कोई दिक्कत। उसके बाद अब नेक्स्ट लेजर आपको बनाना है कंप्यूटर केयर सिस्टम का, और चूंकि हमारा सप्लायर इसलिए ग्रुप क्या है, संडे क्रेडिटर, और इसका बैलेंस है 36,450 रुपये क्रेडिट में। इसका मतलब क्या हुआ कि साल के अंत में जब हमारा और हमारे सप्लायर कंप्यूटर केयर सिस्टम का हिसाब हुआ तो मुझे ये पता चला कि अभी हमें कंप्यूटर केयर सिस्टम को 36,450 रुपये देना, क्यों, क्योंकि इसका बैलेंस कैसे है, क्रेडिट साइड में, और क्रेडिट साइड में हमेशा क्या होता है, लाइबिलिटी होता है, इसलिए हमें क्या पता है कि हमारा हमें अभी इनको इतना पैसा पे करना है। तो सिंपली हम करेंगे क्या, हम कंप्यूटर केयर सिस्टम को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम इसका लेजर क्रिएट करेंगे। ये हो गया कंप्यूटर केयर सिस्टम, ग्रुप क्या हो जाएगा, सन्डे क्रिएटर, और क्रिएटर ग्रुप में आने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको भर देना उनका ओपनिंग बैलेंस। अभी जीएसटी नंबर वगैरह हम फोकस नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम लेजर बनाना आपको सिखा रहे हैं, आगे चल के बताएंगे इसी लेजर में जीएसटी नंबर अपडेट कैसे करेंगे, उसका एड्रेस कैसे अपडेट करेंगे, कॉन्टेक्ट नंबर अपडेट कैसे करेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, व्हाट्सएप अपडेट कैसे करेंगे, सब चीज आगे सिखाएंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप।
अगर एक ही लेजर बनाते समय हम सारी फीचर्स भी ऐड करके सिखाने लगेंगे तो आपको बहुत ही लेंदी प्रोसेस लगेगा और सीखने में दिक्कत होगी। तो अभी मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप सही लेजर को सही ग्रुप के अंदर रख सकें, ये कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ बैलेंस कितना है, 36,450 रुपये। तो यहाँ हम सेलेक्ट कर लेंगे 36,450। और यहाँ पे नेम वगैरह पूछेगा, कुछ नहीं करना है, सेम ऐसे केवल इंटर करके आपको एक्सेप्ट कर लेना बस। या तो इंटर करिए या कीबोर्ड से कंट्रोल ए बटन दबा दीजिए, दोनों में से जो अच्छा लगे वो आपकी मर्जी। नेक्स्ट है हॉरिजन कंप्यूटर, ये भी हमारा क्या है, सप्लायर है। सिंपली हमें करना है कॉपी, एंड कॉपी करके हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। ये तो तरीका हुआ सिंगल सिंगल लेजर बनाने का, लेकिन अगर एक साथ हम ढेर सारे लेजर बनाना चाहें वो भी आसानी से जल्दी क्विकली, तो उसका विकल्प भी टैली में दे रखा है। अगर सिंगल सिंगल बनाना है तो आप क्या करते हैं, क्रिएट पर जाते हैं, लेजर पर जाते हैं, यहाँ लेजर का नाम भरते हैं, ग्रुप सेलेक्ट करते हैं, अमाउंट भरते हैं, सेव कर देते हैं, लेजर बन के तैयार। लेकिन अगर एक ही साथ हमें ढेर सारे लेजर बनाने हो तो वहां पर मल्टी मास्टर का ऑप्शन दे रखा है। कैसे, होम पेज पर आप आए और आने के बाद आपको जाना है यहाँ से चार्ट ऑफ अकाउंट्स में, और यहाँ पे जाना है लेजर में। और लेजर में जाने के बाद यहाँ नीचे आप देखेंगे अल्ट एच से मल्टी मास्टर लिखा है, तो सबसे लास्ट में देखिए लिखा ना अल्ट एच से मल्टी मास्टर दिख रहा है, पीछे जो लोग बैठे दिखाई दे रहा है, मल्टी मास्टर दिख रहा है। यहाँ मल्टी मास्टर पे क्लिक करेंगे तो पूछेगा मल्टी क्रिएट मल्टी एंटर। मल्टी शब्द का मतलब होता है एक ही साथ ढेर सारे, क्रिएट का मतलब होता है बनाना, अल्टर का मतलब मॉडिफाई करना। तो हम क्रिएट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ऐसा करने से हमसे पूछा जाएगा अंडर ग्रुप, और ग्रुप में हम रखेंगे क्या ऑल आइटम। अब हमें यहाँ लेजर का नाम देना है, तो नेक्स्ट जो लेजर हमें बनाना है वो लेजर हमारा क्या है, हॉरिजन एंटरप्राइजेज। हम इसको यहाँ से कर दिया कॉपी, और कॉपी करके यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। हॉरिजन हमारे लिए क्या है, सनड्री क्रिएटर है, हम ग्रुप क्या लेंगे सनड्री क्रिएटर। बैलेंस कितना है, 15,480 रुपये, तो हम यहाँ भर देंगे 15,480 रुपये। यहाँ नेम वगैरह पूछेगा, कुछ नहीं करना है, आपको सेम ऐसे एक्सेप्ट कर लेना है। तो हॉरिजन का बन के तैयार। अब नेक्स्ट आप देखिए हॉरिजन के जस्ट बाद आपको बनाना है सिल्वर प्लस कंप्यूटर का, इसको कर लेंगे कॉपी, एंड कॉपी करके बाद इसका बैलेंस आपको भर देना है 15,850। ये सिल्वर प्लस हो गया, ग्रुप क्या हो गया है सनरी क्रिएटर, और सनरी क्रिएटर ग्रुप के अंतर्गत आपको भरना है 50,870 रुपये। नहीं सही है, 50,870 है। आपने नोट्स में कुछ अलग है क्या? नहीं। तीसरा है लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक, इसका मतलब हमने एक्सिस बैंक से लोन लिया था और अभी मेरे ऊपर 6,75,000 का लोन बाकी है। ओपनिंग बैलेंस भरने का मतलब क्या कि हमने एक्सिस बैंक से लोन लिया था और 31 मार्च को जब हमने चेक किया तो अभी हमारे ऊपर 6,75,000 का लोन बाकी है। हमने कर लिया इसको कॉपी, और इसको रखेंगे हम किसमें, सिक्योर्ड लोन के भीतर। तो हमने कर दिया इसको पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हम रखेंगे सिक्योर्ड लोन, और सिक्योर्ड लोन में आने के बाद हम इसका अमाउंट भर देंगे 6,75,000। हो गया, अब इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट एंड अगेन एक्सेप्ट। ये मल्टी क्रिएट करने का ऑप्शन है, बात समझ में आ रहा ना? तो मल्टी क्रिएट करने का ऑप्शन आपके नोट्स में दे नहीं रखा है, इसको आप